बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इकबालियंस, गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, हाउ आर यू? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए अब हम बुक पढ़ते हैं मैथ की। सब बच्चे अपनी मैथ की बुक ओपन करें। ओपन योर काउंटिंग बुक हरियत। प्यारे बच्चों, आज हम जो पेज पढ़ेंगे वो 33 है। इस पेज को पढ़ने से पहले हम ऊपर दिए गए बॉक्स जो आइकन्स कहलाते हैं वो पढ़ेंगे। वो है, फर्स्ट बॉक्स है कलर। एक ही बॉक्स दिया गया है तो हमने इस पेज पर कलर्स करने हैं। अब क्वेश्चन है, कलर शेप्स अकॉर्डिंगली। अब सबसे पहले जो पिक्चर है देखें, वो डायमंड की है। डायमंड में इस पेज पर जहाँ कहीं आपको ये डायमंड देखें, ये नज़र आ रहा है ना, तो इसमें आप करेंगे रेड कलर। ओके, नेक्स्ट पिक्चर है ट्रायंगल की। सफ़े पर दिए गए शेप के मुताबिक ट्रायंगल में आपने ग्रीन कलर करना है। ओके, अब आगे देखें स्टार। स्टार इस पेज पर यहाँ आपको नज़र आ रहा है सामने, तो आप इसमें करेंगे येलो कलर। अब आगे शेप है स्केयर की। स्केयर को आप कलर करेंगे पर्पल शेप में। हाँ, अब आगे देखें ब्लू। ओवल, ओवल की शेप को आप सर्कल कलर करेंगे ब्लू से, ब्लू कलर करेंगे। हाँ, अब आगे देखें रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल की शेप में आपने ब्राउन कलर्स करने हैं। ठीक है, आगे देखें। अब सर्कल है। सर्कल की शेप में आपने इस पेज पर पहले सर्कल ढूंढना है और ऑरेंज कलर करना है। हमारी जो लास्ट शेप है वो डायमंड की है, इसमें आप पिंक कलर करेंगे। नाउ ओपन, टर्न द पेज। अरे बच्चों, पेज नंबर 34 है। इस पेज पर पहले हम आइकन्स पढ़ेंगे, रीड एंड कलर। आपने पढ़ना है और कलर्स करने हैं। और क्वेश्चन है हमारा, टिक द टॉल। टॉल एंड शॉर्ट का यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है। आपने जो चीज़ सबसे टॉल है, लंबी है, उस पर लगाना है, यानी कलर्स करने हैं उस पर। ओके, अब देखें टिक द टॉल। अब इन बॉक्सेस में सबसे पहले कैट है, फिर हॉर्स है, और फिर है ज़राफ़ा। तो आपने ज़राफ़ा पर करना है टिक का निशान। बॉक्स में टिक लगा लिया सब बच्चों ने। अब आगे देखें, अब इन सबसे नीचे वाले बॉक्स में पहले प्लांट है, फिर ट्री है, और फिर एक और ट्री है, स्मॉल ट्री। तो आपने जो सबसे टॉल ट्री है उसको टिक लगाना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पेज देखें। पहले आइकन्स पढ़ते हैं, रीड एंड कलर। आपने पढ़ना है और कलर्स करने हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है टॉल एंड शॉर्ट का? शॉर्ट कहते हैं सबसे छोटी चीज़ को। ठीक है, टिक द शॉर्ट। अब इन तीनों बॉक्सेस में सबसे जो शॉर्ट है, छोटी चीज़ है, वो डाइस की है। तो आइए बॉक्स में टिक का निशान लगाते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बॉक्स देखें, नीचे मैन की पिक्चर है, फिर वुमेन है, उसके बाद है बेबी। इन तीनों में आपने शॉर्ट पर सर्कल करना है, जो सबसे छोटी चीज़ है। तो इन तीनों में सबसे छोटी जो है वो चीज़, पिक्चर्स जो है वो बेबी की है। तो नीचे दिए गए बॉक्स में हमने टिक का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, आपने इन दोनों पेजेस में टॉल एंड शॉर्ट, इन दोनों पेजेस में जहाँ आपने टिक किया हुआ है उस पिक्चर्स को आपने कलर्स करना है। ठीक है, कलर्स आपने बहुत अच्छे अच्छे करने हैं, पिक्चर से बाहर नहीं निकालेंगे।
ठीक है बच्चों, आपने पीछे से बुक रिवाइज भी करनी है, जहाँ कहीं मिसिंग है वहाँ आप कलर्स करेंगे। ठीक है, नाउ क्लोज योर बुक। प्रेप क्लास, आइए अब हम पढ़ते हैं टेबल ऑफ टू। सब बच्चे वाइट बोर्ड की तरफ देखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। टू वन आर टू, टू टू आर फोर, टू थ्री आर सिक्स, टू फोर आर एट, टू फाइव आर टेन, टू सिक्स आर ट्वेल्व, टू सेवन आर फोर्टीन, टू एट आर सिक्सटीन, टू नाइन आर एटीन, टू टेन आर ट्वेंटी। आपने इस टेबल को एस डब्ल्यू में करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। प्रेप क्लास, ये वर्कशीट आपने होमवर्क में करके आनी है और हमारा आज का क्वेश्चन है सर्कल द स्मॉलर नंबर, यानी कि आपने सबसे छोटा जो नंबर है इन तीनों में उस पर सर्कल करना है। ठीक है, ये दिए गए हैं 70, सबसे पहले देखिए 78, 87, 17। इन तीनों में आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर है जो सबसे स्मॉल है, यानी कि छोटा है। इसी तरह से 5 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपने उनमें सबसे छोटे नंबर पर क्या करना है, सर्कल करना है। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा टेबल ऑफ टू भी आपका होमवर्क है। आपने ये दोनों चीज़ें मैथ की वर्कशीट पर करनी है। होमवर्क आपने नीट एंड क्लीन करना है और ये होमवर्क आप ऑन फ्राइडे स्कूल आकर 7:30 से 12:30 बजे तक की टाइमिंग में जमा करवाना है। होमवर्क नीट एंड क्लीन करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। बच्चों, अल्लाह हाफिज़।